मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र लेके फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी और मौत की जंग जो कि हम रूहानी हथियारों से करते हैं। अगर हमारे पास रूह के हथियार हैं, हम अबलीस के हमलों से और उसके हीलों से अगर अवेयर हैं, तो हम ज़रूर समझ लेंगे कि हमें क्या रूह के हथियार हमारे पास होने चाहिए जो कि खुदावंद ने हमें ऑलरेडी दिए हैं। जब हम उसकी बादशाहत के असूल जान जाते हैं, उसकी बादशाहत के मेंबर बन जाते हैं, तो वो हमें अपने में पैवस्त होने से, जब हम उसकी मजलिस के असूल समझ जाते हैं, तो वो हमें देता है। आज हम बात करेंगे रूह के फलों की, क्योंकि बिशप साहब पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि रूह के फलों के बारे में हम मज़ीद सीखेंगे अगले प्रोग्राम में। तो ये वक्त है कि हम उनको वेलकम करें प्रोग्राम में। बिशप साहब, वेलकम आपका। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको भी बहुत बरकत दे। तो बेटा, मैं इससे पहले कि हम इस मौजू को आगे बढ़ाएं, जी मैं एक छोटी सी बात की रिक्वेस्ट अपने सारे नाज़रीन से करना चाहता हूं कि हमारे पास आधे घंटे का टाइम होता है, उसमें हम सारी चीज़ों की तफसील में नहीं जा सकते, लेकिन जो रूहानी असूल होता है उसकी बात करते हैं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं तो उसके बाद या उसके दौरान खुदा के कलाम को सामने रखा करें, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में रूह के हथियारों के बारे में बात की थी, सच्चाई की और निजात की थोड़ी सी बात की थी, बाकी सब का नाम लिया था। तो आप उनके लिए ध्यान करें, उनको पढ़ें, उस पर गौर करें, खुदा की मदद मांगें। और बहुत कुछ है जो इन्हीं हवालों में से बयान किया जा सकता है। जैसे जैसे वक्त आएगा हम उनको बयान करते रहेंगे, लेकिन आज हम रूह के फलों की बात कर रहे हैं। रूह के फलों की इसलिए बात कर रहे हैं कि रूह की जो नेमतें हैं, ज़्यादातर ईमानदार रूह की नेमतों की तरफ ध्यान रखते हैं। मुझे ये ज़ुबानें मिली हुई हैं, मैं शफा दे देता हूँ, मुझे ये है, मुझे, लेकिन ये याद रखें कि जिस तरह मूसा और हारून जिस वक्त फ़राउन की के दरबार में थे, तो उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली, वो सांप बन गए, तो फ़राउन के जादूगरों ने भी वो सांप बना लिए थे। वो ये अलग बात है कि मूसा और हारून की लाठियों के बने हुए सांपों ने उनके सांपों को निगल लिया था। लेकिन अबलीस इस बात को याद रखते हुए यह याद रखें कि अबलीस भी रूह के नेमतों की नकल बना लेता है। ईवल ईवल जीनियस लोग हैं आजकल, बहुत सारे पीर फकीर हैं, वो शफा देते फिरते हैं, बहुत सारे फिर चेले करने वाले, वो शफा देते फिरते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों को हमने गैर जमाने गलत रूह में बोलते देखा है और बहुत सबों के लिए दुआ भी की है। मैं ये कहता हूँ कि पैमाना जो नापने का है वो रूह के फल हैं। यहाँ मैं वो बात करने से पहले मैं रोमियो 8वें बाब की मैं पढ़ता हूँ 5वीं आयत। लिखा है जो जस्मानी हैं वो जस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जस्मानी नियत मौत है। जस्मानी हैं वो जस्मानी बातों की के ख्याल में रहते हैं, और जस्मानी नियत मौत है। अब यहाँ गलतियों के खत में उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगज पूरा ना करो। अब जिस्म की ख्वाहिशें तो हैं, और इसके बारे में तफसीलन और बातें भी हम करेंगे। अब जो जस्मानी हैं वो जस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जस्मानी नियत मौत है। ये मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ जी, तफसील में इसलिए नहीं जा सकता कि हमारे पास इतना टाइम एक दफ़ा में नहीं होता। तो यहाँ सिर्फ इस बात को रख के अपने ख्याल को, अपनी तालीम को डिवेलप करें, अपनी मेडिटेशन में इसको डिवेलप करें कि मैं जस्मानी नियत में तो नहीं हूँ। अगर जस्मानी नियत में हूँ तो वो मौत की हालत है। और लिखा है कि रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगज पूरा ना करोगे। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, जिस्म के काम तो जाहिर हैं, जिस्म के यानी मौत के काम जाहिर है, जाहिर है। हमारी मौत की और ज़िंदगी की जंग है,
हमने जिंदगी हासिल करनी है, कसरत की जिंदगी हासिल करनी है, यीशु की दी हुई जिंदगी हासिल करनी है, अबलीस की के सारे जो झांसे हैं, शान व शौकत है, झूठ है, पैसा है, गलत, खुदा चाहता है, जानता है कि हमारी ज़रूरियात क्या है। तो वो उन्होंने एक तरीका बताया, एक सलीका बताया कि पहले उसकी बादशाहत और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो हमने किस उसूल को अपनाना है, उसूल क्या है? ये नहीं कि सारी दुनिया ये करती फिरती है तो मैंने भी ये कर लिया तो क्या हुआ, नहीं, पहले क्या चीज़ है, हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि हमने पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में देना है, और इस ईमान और ये भी ईमान रखना है कि खुदा मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। अब इस हवाले से यहाँ लिखा है कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी। अब ये बड़ी अहम बातें हैं जो हम मसीह किसी गिनती में नहीं लाते, अदावते मोहल्लों के लोग, कलीसियाओं के लोग, लॉबियों के लोग एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, अदावते अदावती हालत में रहते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहते हैं, एक दूसरे को लताड़ते रहते हैं। अदावते जिस्म के काम यानी जिस्मानी नीयत के कामों में से एक काम है। झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बिदतें हैं जो कलाम को तोड़ मोड़ के पेश की जाती हैं। कहा यही जाता है ये कलाम की बात है, लेकिन वो कलाम की बात नहीं होती। कलाम में थोड़ा सा खमीर डाल दिया जाता है, उसकी सिमत मोड़ दी जाती है, उसकी डायरेक्शन मोड़ दी जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सीधे रास्ते पे जाते हुए ज्योमेट्री के असूल के मुताबिक अगर आप एक डिग्री का भी फ़र्क पैदा कर लेते हैं तो 100 मील पे के फासले पे जाके हो सकता है आप असल जगह से 100 मील दूर हो जी। ये असूल है, आप एक डिग्री का भी फ़र्क नहीं पैदा कर सकते, वरना आपकी डायरेक्शन जो है ना वो आगे जाके आप बहुत दूर चले जाएंगे अपनी मंजिल से। बुगज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। सो एक तफरीक नज़र आती है कि जो दुनिया के हैं वो दुनिया के ख्यालों में रहते हैं, लेकिन चूंकि तुम रूहानी हो इसलिए तुम रूहानी बातों की ख्वाहिश रखो, रूहानी रूह को फॉलो करो, और रूह जो है वो जिस्म के ख़िलाफ़ आपको तकवीत देता है जी, आपको इनेबल करता है, मददगार है, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप खुदा के रूह की हिदायत से चलें। तो लिखा है रूह का फल सबसे पहला मोहब्बत, और मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती, ना मियाँ बीवी की, ना बहन भाई की, ना पड़ोसी की, किसी के साथ भी अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप करंथियों का पहला करंथियों उसका 13वां बाब उसको सारे बाब को पढ़ें, खुदा का कलाम कहता है कि मोहब्बत अफजल है। अगर मैं सब कुछ कर लूँ, मोहब्बत सब कुछ कर लूँ, रूहानी तौर पे मैं मुर्दों को भी ज़िंदा कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं बड़ी मुनादियाँ भी कर दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, और मोहब्बत खाते नहीं रखती कि आपने फलाने वक्त ये किया था, फलाने वक्त ये किया था। हम रिश्तेदार बैठते हैं तो रिश्तेदार, फलाने वक्त तूने मुझे ये कहा था, तूने मेरे कपड़ों के बारे में ये कहा था, तूने मेरी आदतों के बारे में ये, गिले शिकवे मैंने बहाने बन जाते हैं अदावत रखने के। रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मल है, मेहरबानी है, नेकी है। और नेकी के बारे में खुदा का कलाम ये कहता है कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। मतलब खुदावंद नेकी करता फिरा है, बीमारों को शिफा देता फिरा है, भूखों को रोटी खिलाता फिरा है, और उसका ये गिला है कि मैं तुम्हारे पास आया और तुमने मेरी खबरगीरी नहीं की। तो लोग कहेंगे कब तुम्हारे पास आया था, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगीरी नहीं की, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तुम मेरे पास नहीं आए, मेरी खबरगीरी नहीं की। कहते जब इन छोटों में से किसी के साथ तुमने ये नहीं किया, यानी तुम्हारी फितरत वैसी ही बन जाए जैसी खुदा यीशु मसीह की भी थी। वो मोहब्बत करता था,
तो बेदरेग मोहब्बत करता था। लिखा है कि जब उसने लोगों को देखा, उस भीड़ को देखा, तो उसे उन पर तरस आया कि वो ऐसे लोगों की मानद है जिनका कोई चरवाहा ना हो। आप उन लोगों का खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ने का लिंक बन सकते हैं, तो आप अपने आप को दरेग ना करें। पौलुस कहता है कि मैं खर्च हो जाऊंगा, मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा इस खिदमत में, कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के मिशन का हिस्सा नहीं बनते, हम उसके मियार के मसीही नहीं हो सकते। वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के मिशन का हिस्सा बने, रूहों को ढूंढे, गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए आया था। अगर आपको कोई गुनाहगार नजर आता है, उसको मत टारगेट बनाए कि तू गुनाहगार है। उसको कहें कि खुदावंद की मोहब्बत तेरे पास है, मैं खुदा की मोहब्बत का पैगाम तेरे पास लेकर आया, मैं हमेशा की जिंदगी का पैगाम तेरे पास लेकर आया हूँ, मैं अपनी मोहब्बत अपने साथ लेकर आया हूँ, आई लव यू। मैं एक दफा एक ग्रुप में था, सेकुलर ग्रुप है, पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें मैंने कोई बंदा जो मेरी मुखालफत करता था, मैंने उसे लिखा कि आई लव यू। तो एक बंदा और बंदा दूसरा गैर कौम का, वो वहाँ बैठा हुआ था इंग्लैंड में, वो इसी बात से मुतासर हुआ कि आप इस सूरत हाल में भी कह रहे हैं आई लव यू। एक और है यहाँ पे लाहौर में, एक मेरा अजीज बच्चों में से है, वो हर वक्त मेरी मुझे छेड़ता रहता था, मुखालफत करता रहता था जानबूझ, तो मैं उसको ये कहता था, वो ये भी एक साथ कहता था कि आप मुझे निकाल दोगे अपने फ्रेंड्स के लिए। मैंने नो, रखूँगा तुझे, मैं तेरी तरबियत करूँगा, तेरे साथ बात करता रहूँगा, तेरे साथ कलाम करता रहूँगा, तेरी बर्दाश्त करता रहूँगा, तुझे बताऊँगा कि प्यार होता क्या है। तो बेटा बात यह है कि मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें जो नामुमकिन है दुनिया में जीतनी, वो जीती जा सकती हैं। हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, हमें अपने आप को मारना पड़ता है, हमें जो गुस्सा और झुंझलाहट आती है उस पर काबू पाना पड़ता है, हमें अपने आप को पस्त करना पड़ता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी पैरवी करना चाहे वो हर रोज़ अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए। सलीब काहे के लिए होती है? मरने के लिए। यीशु ने सलीब उठाई थी तो उसमें मसलूब होने के लिए उठाई थी, अपनी खुदी को मारना, अपनी मैं को मारना, कि मेरे अंदर जो घमंड है, मेरे अंदर जो गुस्सा है, मेरे अंदर जो मुकाबलेबाजी की रूह है, मेरे अंदर जो अपना लोगों के साथ ये इस तरह के तौर तरीके इख्तियार करने की रूह है, मैं उस रूह को दबा के रखूं, मैं खुदा की रूह को उठा के रखूं, मैं खुशी अपनी ज़िंदगी में कायम रखूं, मैं मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में कायम रखूं, मैं इत्मीनान की हालत में रहूं। बहुत सारी सूरतों में हमें तहम्मल करना पड़ता है, हमें मेहरबान होना पड़ता है दूसरों पर। मेहरबान होने का मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम अपनी खुद नुमाई करने शुरू कर दें। आप धूप में खड़ी हैं और आप गर्मी की हालत में हैं, मेरे पास पानी है तो मैं आपको पानी भी दे दूँगा, तो ये मेहरबानी है कि जो आपके इखलाकी तौर पे सोसाइटी के हवाले से आपके फ़राइज़ नहीं बनते, उनको भी आप एहसास करके अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बंदा है इसको सड़क पार करने में मुश्किल पेश आ रही है, मैं इसको सड़क पार करा रहा हूँ, तो ये मेहरबानी है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने इसको सड़क क्यों नहीं पार कराई, लेकिन खुदावंद एक दिन ज़रूर पूछेगा कि वह बूढ़ा लागर औरत थी, मर्द था, जो भी था, वो सड़क पार करने में उसको मुश्किल थी, तूने उसको सड़क पार क्यों नहीं कराई, तूने उस पर मेहरबानी क्यों नहीं की, वो भूखा था, उसको खाना तूने क्यों नहीं खिलाया, ये मेहरबानी तूने उस पर क्यों नहीं की, वो गलत मुकदमों में फंसा हुआ था, वो गलत लोगों के चुंगल में फंसा हुआ था, तूने उसको छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की, तूने उन पर मेहरबानी क्यों नहीं की। ये रूह के वो फल हैं जिनका जिक्र है। फिर है ईमानदारी। अब ईमानदारी के हवाले से मैं ख़ास तौर पर खादमों को और सारे ईमानदारों को कहता हूँ कि करंथियों के खत पहले खत उसके चौथे बाब की पहली आयत हम अपने अपनी तालीम के लिए देखें। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। खुदा ने हमें अपने खादम
होने का रास्ता दिखाया है। जिस तरह हम बार बार ये कहते रहे हैं अपने प्रोग्रामों में कि मसीह ने अपने आप को खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज़ ना समझे, तो हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ी जगह के लिए, हम अपने जहन में लालच या ये ख्वाहिश क्यों रखते हैं? ये गलत है। खादमों की शक्ल, पांव भी धोने हैं, उनकी खिदमत भी करनी है, उनको खाना भी खिलाना है, उनके अगर पांव दबाने पड़ते हैं वो भी दबाने हैं। खिदमत, खादम खादम होता है। खादम के मफहूम को समझें। हम कहते हैं जी हम खादम हैं तो हम हाकम बन गए। नो, हम खादम आला नहीं है, हम खादम हैं, खादमों के खादम हैं, हम आम लोगों के खादम हैं, गरीबों मस्कीनों के खादम हैं, ताकि हम उनकी खिदमत करें कि मैं किस तरह थके मांदे की रूह को खुदा के कलाम के हवाले से तसल्ली दे सकता हूँ, किस तरह मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूँ, उसको खड़ा कर सकता हूँ, उसको ज़िंदगी दे सकता हूँ, उसके ज़ख्मों पे मरहम रख सकता हूँ। मसीह के खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। खुदा ने हमें अपने भेदों के मुख्तार बनाया हुआ है, ज़िंदगी और मौत के भेदों के मुख्तार बनाया हुआ है। उसने हमें तोड़े बांटने वालों के हवाले से मुख्तार बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाया। और लिखा है कि यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानदार निकले। पैसे की दयानदारी, वक्त की दयानदारी, डीलिंग की दयानदारी, कलाम की दयानदारी, काउंसलिंग की जिम्मेदारी, मोहब्बत की जिम्मेदारी, हर चीज़ में दयानदार निकले। कि हम हर मामले में जब किसी से गुफ्तगू करते हैं तो दयानदारी के साथ करें, किसी को प्यार करते हैं तो दयानदारी के साथ करें, किसी को हौसला देते हैं तो दयानदारी के साथ दें, किसी की काउंसलिंग करनी है तो दयानदारी के साथ करें, किसी को मशवरा देना है तो दयानदारी के साथ करें, अगर किसी की मदद करनी है उसके साथ आप चल पड़े हैं, उस पर गलत केस बन गए हैं या ऐसे किसी मसले का शिकार हो गया, तो पैसों की खातर उसकी मदद ना करें। हमारे माशरे में बहुत सारे इस तरह के चौधरी साहबान हैं जो सिर्फ इस लालच में कि हमें बीच में से कुछ मिलेगा, हमें काटने को कुछ मिल जाएगा, वो लोगों के साथ चल पड़ते हैं, बल्कि खुद उनको फंसा के अपना उनके साथ लग जाते हैं कि हम उनके किसी तरह से अपना हिस्सा इनके पास इनसे ले लें, निकाल लें पैसे कमाने के लिए। तो मुख्तार में ये बात देखी जाती है। आप किसी लेवल के लीडर हैं, आप किसी लेवल के ईमानदार हैं, आप में खुदा दयानदारी मांगता है, चाहता है कि आप दयानदार हो, जिस तरह के वो अपने सारे मिशन में दयानदार रहा था। जी। ईमानदार, हलीम, परहेजगार, हिलम चाहिए, परहेजगारी है। परहेजगारी का मतलब क्या है? जी। ये सारे फल जो हैं ये किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह के मजाज को ज़ाहिर करते हैं। वैसा ही मजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का मजाज था। वो अपने धमकाने वालों को धमकाता नहीं था, उनके लिए बरकत चाहता था। हमें भी खुदावंद ने ये फरमाया है कि तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों का भला चाहो, अब क्योंकि तुम खुदा के फरजंद हो जो अपना सूरज नेको बद दोनों पे चमकाता है, अपना मी नेको बद दोनों पे बरसाता है। सो तुम में और दुनिया के लोगों में फ़र्क होना चाहिए। तुम्हारा मजाज उनके मजाज से फ़र्क होना चाहिए। तुम्हारा मजाज यीशु के मजाज जैसा होना चाहिए। तुम अपने आप को हलीम करो, अपने आप को फरोतन करो, मोहब्बत करने वाले लोग बन जाओ। और ये एक थर्मामीटर है। खुदावन ने ये जो रूह के फल बता दिए हैं ये थर्मामीटर, एक तरफ उसने उन्होंने खुदावन का कलाम कहता है कि ये जिस्म के काम है, ये शैतान के काम है, ये आपके अंदर की वो बुरी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है, उनसे बचो। ये बचने का वक्त है, अपने आप को तैयार करने का वक्त है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि मसीही जिंदगी तैयारी की जिंदगी है। बस ये दुल्हन हमने अपने आप को आरास्ता करना है, तैयार करना है अपने दूल्हा के लिए, उसकी आमद के लिए, उसके पास जाने के लिए। जैसा मुकाशवा 19 बाब उसकी सातवीं आय से में और उसके आगे की आयतों में लिखा है कि उसकी दुल्हन ने, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैंने और आपने तैयार होना है। और ये तैयारी रूहानी तैयारी है। तकदीस के अमल के साथ हमारी ये तैयारी मुकम्मल होती है कि हम एक अमल में से गुजरते जाएँ, हमारा अमल
ये हो कि हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपनी सुस्तियों और लापरवाहियों पर काबू पाना है, हमने गलत फहमियों को निकालना है, हमने सही तालीम की तरफ जाना है, हमने सीखने की कोशिश करनी है, हमने खुदा के रूह की हदायत में रहने की कोशिश करनी है और जिस्म के कामों को हमने रद्द करना है, दुनिया के कामों को हमने रद्द करना है, शैतान और शयातीन के हीलों से हमने वाकिफ़ होना है, हमने रूहानी जंग लड़नी है और जीतनी है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के नुमाइंदे बन के रहना है। तो फिर हम रूह के फल मोहब्बत से शुरू करके हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या मैं साहिब मोहब्बत हूँ, कहीं मैं ठनठनाता पीतल और झुंझुराती जान तो नहीं, अगर मैं सब कुछ हासिल कर लूँ, बड़ा नाम भी बना लूँ, बड़ी शोहरत भी हासिल कर लूँ, बड़ा हीलर भी बन जाऊँ, बड़ा बड़ा दुआगो भी बन जाऊँ, बड़ा मुकर्रर भी बन जाऊँ, बड़ा वाइज भी बन जाऊँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं ठनठनाता पीतल और झुंझुनाती झांझ हूँ। हमें मुझे अपनी रूह की, हर ईमानदार को, चाहे वो मुबल्लिग है, चाहे वो मुबशर है, चाहे वो खुदा का खादम है, पादरी है, बिशप है, वो मुनाद है, कोई भी है, उसको सबसे पहले अपनी रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास खुदावंद का दिया हुआ कुछ होगा तो वो आगे किसी को दे सकेगा, अगर उसके पास वो खुदावंद की दी हुई रोटियां ही नहीं तो जो हज़ारों का भूखा मजमा है उसको देगा कहाँ से। लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग बेसर व सामानी की हालत में हैं, उनकी अकलें शैतान ने मारी हुई हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि खुदा और शैतान किसी को डंडा नहीं मारते, खुदा और शैतान किसी को डंडा नहीं मारते, वो आदमी की मत मार देते हैं और आदमी जो है वो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लेता है। खुदा ने जब भी किसी को सजा देनी होती है तो वो उसकी मत मार देता है, जैसे कि आजकल मारी हुई है, छोड़ देता है, कहता है अपनी मर्जी कर लो, नतीजा तुमको नज़र आ जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो अपना कलाम नाजिल करता रहता है, अपनी मोहब्बत की वजह से आवाज़ देता रहता है, पीछा करता रहता है, ताकि किसी तरह से लोग बेदार हो जाएं और खुदावंद की तरफ आ जाएं। तो मेरे जीजो, बात ये है कि हम जो खुदा की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के हम मीरास होने के लिए बुलाए गए हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाए गए, हम अपने दर्जे और मुकाम को समझें। मेरा एक रूहानी दर्जा है, मेरा एक रूहानी मुकाम है, मैं अपने उस मुकाम से क्यों गिरूं, मैं छोटा क्यों बनूं, मुझे तो अबलीस की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया गया। यीशु ने जिस तरह अपने शागिर्दों को कहा, वही इख्तियार उसने मुझे और आपको भी दिया है और हर ईमानदार को दिया है कि जाओ जाके सांपों और बिच्छों को कुचलो, कुचलो उनको कुचलने का इख्तियार तुम्हें दिया गया है और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालब आने का इख्तियार तुम्हारे पास है, लेकिन किस तरह, रूह के हथियारों से जंग करोगे, खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहोगे, उसकी बातें तुम में कायम रहेंगी, रूह के फलों के बारे में तुम खबरदार रहोगे, अपनी ज़िंदगी का कलाम के हवाले से जायज़ा लेते रहोगे, रोज़ एक फौजी की तरह तैयार हो के जब आप निकलते हो तो हर बैरक के बाहर जैसे एक आईना लगा होता है, उसमें वो फौजी अपनी तैयारी को जांचता है, अपनी तैयारी को हर रोज़ खुदा के कलाम के आईना में देखो, मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, मेरे दाग और झुरियाँ ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं खुदा के कलाम का गुसल पा रहा हूँ, मैं खुदावंद के रूह की हिदायत से चल रहा हूँ, मैं उसके ज़ोर में ज़ोरावर बन रहा हूँ। मेरे जीजो, हमें ये रास्ते बताए गए हैं, उसूल बताए गए हैं, सिमतें बताई गई हैं, तौर तरीके बताए गए हैं, लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं, those who belong to Jesus Christ, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, कि हम अपने आप को मारें, अपनी मह को मारें, अपनी गलत ख्वाहिशों को मारें। शैतान जिस तरह यीशु को ऊंचे पर ले जाकर शान और शौकत का चकमा देता है, हमें भी वो हर रोज़ चकमा देता है,
तुझे मैं बहुत बड़ा पास्टर बना दूंगा, बहुत बड़ा वाइज बना दूंगा। भाई मैं छोटा ही ठीक हूँ, अगर मैं मुझे खुदावन ने अपना एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बन के इस्तेमाल करना है, तो जब मैं उसके हाथों में होऊंगा तो मैं खुद ही जोर आवर बन जाऊंगा, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने वाला बन जाऊंगा। लेकिन मुझे उस जिस्म की, उनकी जिस्म की उन रगबतों पर, उन ख्वाहिशों पर जो बेजा हैं, उनको मारने की ज़रूरत है। यानी आदमी दरवेश बन जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर लिखा है कि अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। फिर मैं आता हूँ उसी रूमियों के 8वें बाब की 14वीं आयत की तरफ, कि जितने, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अब देखें, खुदा की खुदाई को देखें, खुदा की मोहब्बत को देखें, खुदा के फजल को देखें कि उसने मददगार दे दिया, कि अगरचे तुम कमज़ोर हो, मैं तुम्हें अपना पाक रूह मदद के तौर, मददगार के तौर पर देता हूँ। वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें तकवीत देगा, वो तुम्हें अपना खुदावंद के नज़दीकी में कायम रखेगा, वो उसके भेद और मुकाशफे आप पर नाजल करेगा, वो आपकी हर कदम पर मदद करेगा, ताकि आप खुदा के तकाजे अपनी ज़िंदगी में पूरे कर सको। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। ये एक नियत का मज़र है, एक नियत को जाहिर करता है कि मैंने खुदा के रूह की हिदायत से चलना है, मैंने अपने आप को खुदा के ताबे करना है, खुदा के रूह के ताबे करना है, और खुदा का रूह मेरी हिदायत करेगा, मैं उसमें बढ़ूंगा, मैं उसमें तरक्की करूंगा, मैं उसमें खुदावंद के सारे वो काम जो उसने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है वो करूंगा, ताकि अदालत के दिन मैं उसके सामने जाऊं तो मैं हिसाब किताब मेरा क्लियर हो, खुदावंद तूने मुझे इतने तोड़े दिए थे, मैंने इतने और पैदा कर लिए। बिल्कुल, बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब इन तमाम अच्छी बातों के लिए, खुदावंद आपके साथ हो। अजीज़ों, आज जो हमने रूह के फलों के बारे में सीखा, हमने मोहब्बत के बारे में सीखा कि मोहब्बत ठनठनाती नहीं, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। क्या हम सहते हैं? क्या हमने कभी कुछ सहा? क्या हमने कभी यीशु के लिए कुछ सहा, जिसने हमारे लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया? जब उसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो ये कोई लिखी हुई बात नहीं, उसने सच मुझ में कुर्बानी दी और वो ज़िंदा हुआ और वो आसमान पर आज भी मौजूद है। अपना ख्याल रखिए, मुझे और बिशप साहब को इजाज़त दीजिए, आपके साथ हो खुदावंद, हमेशा आपकी मदद करे, हर पल आपकी सहायता करे, ताकि हम इसी तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद आपके सामने कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट एड्रेस मौजूद है, आप हमसे रابطہ करें, अपने सवालात पूछिए। खुदावंद आपके साथ हो, अपना ख्याल रखिए।